सभी लाइव आ गए। बोली हेलो एलन, गुड इवनिंग निपुन। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक उसका आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, राइट, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्वेश्चन। देखो, अभी तक मैंने क्या पूछा था, बहुत ध्यान सुनना। हाँ जी, अभी तक मैंने क्या पूछा था, स्टील सेक्शन एज शोन इज सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स ऑफ 175 किलोन्यूटन, आपको शेयर फोर्स दिया था, राइट। आज का लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है, अपना प्रिंसिपल स्ट्रेसिंग स्टार्ट होगा, बट मैंने कल जो आपको होमवर्क दिया था, मैं चाहता हूँ एक बार अपन उसको कंप्लीट कर ले, राइट। कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैंने कल टेस्ट अपलोड नहीं किया, सो दैट आपका कंप्लीट शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों कंप्लीट हो जाते। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेंडिंग भी डाल दिया, मतलब मोमेंट भी डाल दिया, सो दैट आप सिग्मा मैक्स भी निकाल लो और एक बार अपने को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ यार, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस शेयर फोर्स डायग्राम सब कुछ अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का मैं टेस्ट आराम से आज अपलोड कर सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस। क्लियर है? नमस्ते अभिषेक। ओके, लाल कलर दिख नहीं रहा, ठीक है बेटा, चेंज कर देंगे कलर, टेंशन मतलब बहुत कलर है अपने पास में। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ जी, ओके, इधर सुनिए। एज शोन इज सब्जेक्टेड टू, अब शेयर फोर्स है 175 किलोन्यूटन, डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस एट की पॉइंट एंड स्केच द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो आपने टाउ मैक्स निकाला होगा, तो इसको थोड़ा सा अपन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन करते हैं इधर। अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले अपन ने क्या निकालते हैं, अपन जब भी फॉर्मूला अपन लगाते हैं, चीज़ें अपन करते हैं इसको सॉल्व। हाँ हाँ ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, सारे बैकग्राउंड अच्छे हैं। ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा येल्लो का कलर बहुत अच्छे से निखर के आता है। ठीक है, देखो अभी लिख के बताओ, देखो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कैसा दिख रहा है, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है येल्लो, बस इसलिए ब्लैक करें, कोई बात नहीं। रेड नहीं दिख रहा तो रेड को चेंज कर लेंगे, ओके, ग्रीन कर लेंगे रेड की जगह, क्लियर। ये वाला कलर दिख रहा है, यही कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप, है ना। अब सुनो मेरी बात, तो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया था आप लोगों का, कल होमवर्क देते हैं एक बार, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया था, कैसे करा आप लोगों ने, यही करा, 250 इंटू 300 का क्यूब अपॉन 12 माइनस पाई इंटू हंड्रेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। कैसे आपने आई निकाला था इसका, बोली क्या इसी तरीके से आपने आई निकाला था इसका, इक्वल टू क्या आया, कितना आया आई, एक बार कमेंट करके बता दो यार, आई कितना आया आप लोगों का। सिक्स मान लेते हैं, तो इसका आया था 557.6 mm की पावर 4। क्लियर है, करेक्ट, इंटू 10^6। यस यस, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड। तो
तो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आपका आ गया ये, ओके। अब अपने लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अपन को चाहिए टाउ मैक्सिमम, ठीक है। टाउ मैक्सिमम चाहिए तो मेरे को बी की वैल्यू बताओ, इसके अंदर आप बी की वैल्यू क्या रखोगे। अगर आपको टाउ मैक्सिमम चाहिए तो आप बी की वैल्यू क्या रखोगे उस फॉर्मूले में। टाउ का फॉर्मूला था एस एफ ए वाई बार अपॉन आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इन टू बी, तो इसमें बी की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग। वन फिफ्टी एम एम, ठीक है, गुड। शेयर फोर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, शेयर फोर्स कितना दिया, 175 किलो न्यूटन सबने निकाला है। एस एफ ए, हाँ, एरिया क्या रखोगे, अपन ने एरिया कैसे फाइंड करा आपने, तो एरिया न्यूट्रल एक्सिस तक का निकालेंगे अपन, न्यूट्रल एक्सिस तक का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप एरिया, न्यूट्रल एक्सिस तक का एरिया कैसे निकालेंगे आप, तो एरिया, एरिया सीधा निकालोगे। आपने एरिया निकाला कि ए वन वाई वन और ए टू वाई टू निकाला है, मेरे को ये बताइए, आपने एरिया निकाला है कि ए वाई बार अलग से निकाल दिया, सीधा आपने ए वाई बार निकाला होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ए वाई बार कितना है आपका, ए वाई बार बोलो, इसके अंदर ए ऑफ ए वन वाई वन माइनस ए टू वाई टू, या वाई बार टू बोल दो, 150 इंटू 250, ए वाई बार कितना है आपका, टू सेवन टू नाइन वन डबल सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन, बहुत ही बढ़िया अभिषेक, 27 भाई दबाई, अभिषेक का भी सही है और निपुण का भी सही है। एलन का आंसर नहीं मैच कर रहा था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वापस बता रहा हूं, 2729 156.29, क्लियर। ओके, तो अपने पास में पूरा आ गया, तो टाउ अबाउट, टाउ मैक्सिमम अपन निकाल रहे हैं, तो अपने को पता है मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे आएगा, तो शेयर फोर्स एस एफ ए वाई बार आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इन टू बी, सब कुछ आ गया, कितना आया टाउ मैक्स, सारी वैल्यूज पुट करके क्या आपका आ गया, 5.71 मेगा पास्कल्स। आपने सेंट्रोइड निकाला सेपरेटली, ग्रेटियन पैट्रिक वेगस, बेटा आपको सेंट्रोइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो चीज मैंने अपनी क्लास में समझाई है, बाकी सब भी बताओ, क्या सेंट्रोइड निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी जरूरत, ठीक है, ए वाई बार अलग से निकालो आप, ठीक है। सर मैंने लंबे मेथड से किया, क्यों कर दिया बेटा लंबे मेथड से, जब आपको शॉर्ट मेथड पता है तो लंबे मेथड से क्यों करना अपने को। एनीवे, अगला आगे क्वेश्चन सुनो, आगे क्वेश्चन क्या भाई, इधर देखो, आगे मैंने क्या बोला, अगर मेरा मोमेंटम होता 350 किलो न्यूटन मीटर, अगर मेरा मोमेंट होता 350 किलो न्यूटन मीटर, देन इसी डायग्राम के थ्रू आपको सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स निकालना है। तो अब सिग्मा मैक्स के लिए क्या चाहिए आपको, आगे बढ़े, सिग्मा मैक्स के लिए क्या चाहिए आप लोगों को बोलिए। अब मेरे को सिग्मा मैक्स निकालना है, मैंने मोमेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको करना क्या है, वाई मैक्सिमम अपॉन आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आपने निकाल दिया, वाई मैक्सिमम निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अबाउट न्यूट्रल एक्सिस से कितना टॉप तक वाई जाएगा वही आपको निकालना है, एम आपको पता है। तो सिग्मा मैक्स कितना आ गया, सभी कैलकुलेट करके मुझे बताइए सिग्मा मैक्स कितना आया, सभी कैलकुलेट करके मुझे बताइए सिग्मा मैक्स कितना आया, बताइए,
एम की वैल्यू मैंने आपको दी भी ऑलरेडी 350 दी है मैंने एम की वैल्यू। हाँ तो यहां से आ गया 350 किलो न्यूटन मीटर है, मतलब इंटू 10^6 आएगा न्यूटन एमएम, और वाई मैक्सिमम के वैल्यू 0.094, इतना कम। देखो मुझे नहीं पता, मैंने हाथों हाथ क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है तो मैं भी कैलकुलेट करूंगा, अपन सारी वैल्यूज रख लेते हैं पहले। और वाई मैक्सिमम कितना हुआ, वाई मैक्सिमम कितना हुआ, ये कितना है यहां से देखो, यहां से कितना है ये न्यूट्रल एक्सिस यहीं पर ही मिल रहा था आपको, तो यहां से आपको वाई मैक्सिमम यही मिलेगा, तो कितना आ गया वाई मैक्सिमम, तो यहां से आपने ये करा तो आपको वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी मिली, 150 mm आपको वाई मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। हाँ गुड, तो यहां पर आ जाते हैं फिर से अपन, वाई मैक्सिमम आपको मिला 150 mm अबाउट, एंड न्यूट्रल एक्सिस आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितना आया था, वही रखो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितना आया था बताइए, 557.6 इंटू 10^6, तो आपको सिग्मा मैक्स कितना आ गया 94.155 मेगा पास्कल्स। क्या बात समझ में आई, बोली ये आपका सिग्मा मैक्स आ गया, ये आपका टाउ मैक्स आ गया, क्या क्लियर है, सिग्मा मैक्स टाउ मैक्स, तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिग्मा मैक्स अपॉन टाउ मैक्स 94.155 अपॉन 5.5 कितना आ गया 71, क्या वैल्यू है 16.48, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये कंप्लीट हो गया अपना, नए चैप्टर पे आ जाए सभी, बोलिए नए चैप्टर पे आ जाइए सभी नए चैप्टर पे आ जाए, तो आज का अपना न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट कर। सर मैंने लंबे मेथड से इसलिए किया ताकि सेंट्रोइड का रिवीजन बनेगा, ये एलन है क्या, लंबे मेथड ये ग्रेटियन पैट्रिक वेगस एलन वेगस ही है क्या ये हाँ बेटा हाँ, चलो नया स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, क्या बात क्लियर है सबको, ठीक है, अलग अलग नाम से आते हो, बाय द वे मैं एक चीज करने वाला हूं, नाम वाम चेंज मत करो, ठीक है। अब जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनका मैं सेपरेट ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं सेपरेट एक ग्रुप बनाऊंगा सो दैट आप लोग उसी यूट्यूब के चैनल से यहां पर क्लास अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा एक ही अकाउंट बना दो जो आपका फाइनल अकाउंट हो, आप उसी से आ पाएंगे, किसी और के अकाउंट से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, अभी से ही बता रहा हूं, सो दैट आने वाले टाइम पे मैं ये चीज अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है, ओके क्लियर है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा अच्छा आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ठीक है भाई। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, पहले इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट होल्ड करो यार, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं, फिर आपको एंजॉय मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, सर मेरा डाउट, अभिषेक क्या डाउट पूछ रहा है यार, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ एरिया किस हीट हो तो दे दीजिए, अच्छा किस शीट हो तो दे दीजिए, नोट्स बेटा
हाँ नोट्स चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा शीट जिसके अंदर आपको सारे फॉर्मूलेज होते हैं लिखे हुए, दे देंगे बेटा, अपलोड कर देंगे अपने ऐप पे, टेंशन मत लो, अपलोड कर देंगे अपने ऐप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, किसका क्या होता शेप, हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे, ठीक है। एक बार आप ऐप पे थोड़ा और अच्छे से बता देना कि क्या चाहिए आपको, या तो एलन और निपुण आप शेयर कर देना बेटा जो भी इसको चाहिए। सर पावर प्लांट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता हो, पढ़ाते हो आप, बेटा पूरा पढ़ा रखा है, एक्चुअली टर्बो मशीनरी पूरा पढ़ा रखा है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग अभी बचा है, ठीक है। वो एक्चुअली एक सीक्वेंस से पढ़ाएंगे बेटा, थर्मो के बाद, पहले थर्मो पढ़ाएंगे उसके बाद सब पढ़ाएंगे। सर पिछले चैप्टर के नोट्स नहीं बन पाए थे, आप क्लास में ही बनवा दिया करिए। बेटा मैंने नोट्स अपलोड कर तो दिए, जाके चेक करो ऐप पे, ये जो मैं शीट आपको, जिस शीट पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करता हूँ, जाके चेक कीजिए, ठीक है। ये जो भी आपको शीट मिल रही है बेटा, ये देखो इधर देखो, ये रही शीट, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरी शीट मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर की भी शीट मैंने पूरी अपलोड करी है, उसके पिछले लेक्चर की भी शीट मैंने पूरी अपलोड करी है, ओके। अब चलो ध्यान दीजिए इधर, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, एक बहुत छोटी सी, स्टार्ट करें यार, आप लोगों की इजाजत हो तो स्टार्ट करें लेक्चर, बोलिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन स्टार्ट करें नहीं करें, बताइए। जवाब नहीं दे रहा कोई, अभी अभिषेक ने बोला था सर रुकिए, इजाजत है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ो। देखो यार सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में एक फर्क है, और फर्क काफी बड़ा है। अब सुनिए मेरी बात, ये अभी तक आप सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या कर रहे थे, अभी तक आप सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या कर रहे थे, आपको कोई रॉड दे दी, बहुत ध्यान सुनना, आपको कोई रॉड दे दी, ठीक है, और आपको यहां पर लोड दे दिया पी और पी, और आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है यहां पर, ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। तो यहां से आप सिग्मा कैसे निकालते थे भाई, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर आप कहते थे फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, ये तो आपने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा था, राइट, ओके, ठीक है, ये आपने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा था। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन आपको क्यों पढ़ने की जरूरत है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन आपको पढ़ने की जरूरत इसलिए है बेटा कि आपको ये नहीं पता कि किस किस एंगल पे मेरे स्ट्रेस का क्या क्या चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से सेक्शन काटता था, अभी तक आप यहां से सेक्शन काटते थे, अभी तक आप क्या करते थे, ये सेक्शन आप काटते थे, ठीक है, और आप क्या करते थे, इस सेक्शन में आप देखते थे, फिर इस सेक्शन में आप एक सर्कल बनाते थे, यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था, एम आई राइट और रॉन्ग, यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था, बोलिए होता था कि नहीं होता था, क्या बोल रहा हूं आप इस प्लेन में। अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने इस प्लेन को थोड़ा टिल्ट कर दिया, अगर मैं चाहता हूं कि ये तो आपने यहां पर, ये आपने जो स्ट्रेस निकाला है, टेंसाइल स्ट्रेस कहां निकाला आपने, ये आपने टेंसाइल स्ट्रेस कहां निकाला, ये टेंसाइल स्ट्रेस आपने यहां पर निकाला है। अगर मैं किसी एंगल पे पूछ लूं आपको कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, अगर मैं किसी एंगल पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लूं तो आप बता पाओगे, यहां पर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन हेल्प करता है, क्या बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, अब मैं बताओ बेटा इंक्लाइन में क्यों नहीं करेगा, स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, मेरे को डेफिनेशन बताओ, स्ट्रेस डिपेंड किस पे करता है, या तो फोर्स पे करता है या एरिया पे करता है। अब मैं आपको दो लाइन ड्रॉ करके दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, एक तो बेटा ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब मुझको मान लो, मैं यहां पर आपको एरिया लिख के दे रहा हूं, ये मेरा ए बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैंने बी बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने
सी बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया। अब मुझको ये बताओ कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ए बी, ए बी, ये ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है कि ए सी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है? ये तो मैंने बता दिया ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है कि ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है? बताइए कौन सा है, ए बी की ए सी? ए सी, तो जाहिर सी बात है भाई स्ट्रेस में भी चेंज आएगा। अगर जाहिर सी बात है बेटा स्ट्रेस में भी चेंज आएगा। अब आपको मैंने सेक्शन भी काट के बता रखा है, मैंने आपको यह बता रखा है बहुत अच्छे से कि यहां पर पी फोर्स लगा तो यहां भी पी फोर्स लगेगा, यहां भी पी फोर्स लगेगा, यहां भी पी फोर्स लगेगा, जब तक बीच में कोई और फोर्स का डिस्टर्बेंस ना हो। यह मैंने आपको सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में बता दिया था, बार के अंदर, बार्स इन सीरीज, बार्स इन पैरेलल में यही चीज पढ़ाया था मैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, क्या यही चीज बताया था मैंने? हर जगह फोर्स तो ज्यादा है, अगर मैं किसी इंक्लाइन में आपको स्ट्रेस पूछ दूं तो क्या स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो गई? एरिया बढ़ गया तो स्ट्रेस कम लग रहा, अरे एरिया बढ़ गया तो स्ट्रेस कम लग रहा, तो आपको यह तो पता पड़ रहा है कि यार ए बी में मैं अगर मूव ए बी में, ए बी की साइड में स्ट्रेस देखता हूं तो मेरे को स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है और यहां पर मेरे को स्ट्रेस कम मिल रहा है क्योंकि मेरा ए सी का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन ये निकलवाता है कि किसी भी एंगल पे मैं एक नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकाल सकता हूं। क्या बात समझ में आई, क्या बात क्लियर हुई, मोटी बड़ी बात क्लियर हुई सभी को? बोलिए बेटा, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, धीरे जाऊंगा बट क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो आपको यहां तक ये बात तो क्लियर हो गई कि सर कुछ भी कर लो ये एंगल पे मेरे को डिपेंड कर रहा है, इस एंगल पे मेरा डिपेंड कर रहा है पूरा सिस्टम, ये एंगल है मेरा थीटा, इस पे मेरा पूरा डिपेंड कर रहा है। बोलिए, हेलो देवांग, बड़े दिनों बाद आए आप तो, हाँ प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है? क्या बात समझ में आई? मतलब मैं इस, ये जो मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस को मैं, ये देखो इधर देखो, ये मेरी एक्सिस है, अगर मैं इस एक्सिस को चेंज करता रहूंगा तो क्या मेरे स्ट्रेस में भी बदलाव आते रहेंगे? बिकॉज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो, चमका कि नहीं चमका, घुसी दिमाग में कि अपन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अभी तक? बेटा आपको शुरू से एक डायरेक्शन दिया जाता हर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में एक डायरेक्शन था एसएफडी वीएमडी, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस एक डायरेक्शन था, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन एक डायरेक्शन, जिसके अंदर अपन ये जानना चाहते हैं कि मैं किसी भी एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालने लायक बन जाऊं। बोलिए, चलो बढ़िया, ठीक है, सर अच्छा लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो कौन सा एरिया लेंगे? ये तो खास बात है बेटा, यही तो फॉर्मल निकालेंगे। अगर बेटा लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो आपका थीटा, वही तो थीटा की फॉर्म में एक इक्वेशन लिखेंगे, वहां पर आप किसी भी फॉर्म में स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, निकालें। चलो निपुण ने जब अभिषेक ने जब बोली दिया कि किसी भी लाइन हॉरिजॉन्टल भी निकाल दोगे, आपके लिए लाइन हॉरिजॉन्टल कर दोगे आपके लिए थीटा क्या हो जाएगा? अगर लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल हो गई तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं, नो, लोड इज नॉट चेंजिंग बिकॉज बेटा स्ट्रेस निकाल देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दिस स्ट्रेस विद दिस लोड, देन वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेस इन दिस डायरेक्शन, देन वी विल कैलकुलेट द लोड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। थीटा जीरो होगा बेटा, लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो थीटा जीरो क्यों होगा? 90 होगा ना? पकड़ में तो आ रहा है अभिषेक को, ठीक है, पकड़ में तो आ रही है बात, पर कोई बात नहीं, करते हैं बेटा, है ना, इसको करते हैं थोड़ा।
तरीके से आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सभी, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, सिंपल और प्रिंसिपल में फर्क समझ में आया? हाँ हाँ बेटा, थोड़ा सा करेंगे ना, बट वेट नहीं करते, नए चैप्टर में ऐसे बेचैन हो जाते हो ना। बाकी बात आपको समझ में आ रही है? नाउ यू कैन एबल टू कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, नाउ यू कैन कैलकुलेट, नाउ यू कैन एबल टू सॉल्व किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आप सॉल्व करो, सब कुछ आप कर पा रहे हो ना। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आती है, बेयर विद मी, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, सुनिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। आप सुनिए ध्यान से, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा डायग्राम में मिटाता हूं और एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं और ढंग से इसको चीज को समझेंगे, ठीक है? अच्छा डायग्राम बनाएंगे, अच्छा डायग्राम होगा तो ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो इतनी टेक्नोलॉजी का क्या यूज? जब अपन यूज कर ही रहे हैं तो शानदार तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करें। अब सुनो मेरी बात, बनाते अपन डायग्राम। सुनते रहो बस, चलिए। ये तो अपना हो गया सिलेंडर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अब सुनिए, यहां पर लग रहा आपका फोर्स, ठीक है, पी, ठीक है, टेंशन, ओके। अब मैं एक प्लेन पे निकालना चाहता हूं, एक प्लेन तो सिंपल है अपना, एक प्लेन अपना सिंपल है, ठीक है, कल गुड फ्राइडे है बेटा, गुड फ्राइडे में तो गुड गुड चीजें करते हैं, क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करोगे? गुड फ्राइडे में तो गुड गुड चीजें करते हैं, टाइम चेंज कर देंगे क्लासेस का, आप बोलो तो चेंज कर देंगे, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो। ऐसे तो यार एलन को तो अटेंड करनी पड़ेगी क्लास, एलन नहीं अटेंड करेगा तो क्या मजा क्लास में, है ना? क्या बोलते हो एलन, टाइमिंग चेंज कर लेंगे यार, बताओ, रात को शिफ्ट कर दें, आप लोग बोलो रात को शिफ्ट कर देंगे क्लास। और थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूं, फर्स्ट लेक्चर इज द की ऑफ ऑल द लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर को बड़े मन से और ध्यान से पढ़ो, सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो बेटा मैं थीटा को एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं थीटा ले रहा हूं, डायरेक्शन देख लिया सभी ने? अरे थीटा का डायरेक्शन देख लिया सभी ने? कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, यह है मेरा थीटा, ठीक है, टाइम। अरे कल कल की बात है अभिषेक, देखो यार मैं चाहता हूं कि किसी की क्लास अटेंड नहीं हो, किसी की क्लास मिस ना हो, और अगर कंफर्टेबल है तो चलो इस बारे में अपन ऐप पे बात कर लेंगे, ठीक है? अब ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, जो जो मैं बातें लिख रहा हूं उनको सुनते रहो, चलो ध्यान से दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने थीटा कैसा लिया है? क्या मैंने थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिया है फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन? फिर से सुन लो, मैंने क्या थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिया है फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, हां या ना? इस बारे में बात कर लेंगे एंड में। अब सुनो मेरी बात, क्या ऐसा लिया है मैंने, तो यहां पर क्या बोल सकता हूं, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं वो लिखते रहो, थीटा एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शन एक्सिस भी बोल सकते हैं अपन। क्या मैंने, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन होता है बेटा,
इसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब यहीं से मैंने थीटा कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, सारी बातें इंपॉर्टेंट। जो मैं नोटेशन यहां दे रहा हूं मैं डेरिवेशन भी बेटा उसी से कर रहा हूं, जो मैं नोटेशन यहां दे रहा हूं मैं डेरिवेशन उसी से कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें आपको यही नोटेशन मिले तो ही आपका आंसर आएगा। कुछ भी नोटेशन बदला आपका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, ओके। तो मैंने यहां से थीटा लिया है एंटी क्लॉकवाइज, क्या बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं यहां पर, ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी, ओके। क्या बात क्लियर है, क्या यहां तक बात क्लियर हुई सभी को, बताइए। अब मेरे को एक चीज बताइए इसके अंदर, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे सोच के बताइए। अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि ये वाला एक्सिस जो था मेरा, ठीक है, ये वाला एक्सिस जो था मेरा, ये एक्सिस पे मेरे को कितना स्ट्रेस लग रहा था, सिग्मा। ये एक्सिस मेरे को सिग्मा स्ट्रेस लग रहा था, और इस सिग्मा की वैल्यू क्या थी, अगर मैं इस सिग्मा की वैल्यू पूछूं तो क्या थी सिग्मा की वैल्यू, पी अपॉन एरिया ऑफ ए बी। कोई डाउट किसी को, अगर मैं पूछूं तो यहां पर ये सिग्मा क्या है, पी अपॉन एरिया ऑफ ए बी, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिग्मा के ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, परपेंडिकुलर। क्या बात क्लियर हुई, बिल्कुल, पी अपॉन एरिया ऑफ ए बी, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मुझको इस एक्सिस पे निकालना है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस एक्सिस पे सिग्मा निकालना है, और सिग्मा नॉर्मली निकालना है, मतलब मेरे एक्सिस के परपेंडिकुलर सिग्मा ही मुझे निकालना है। तो अगर मैं यहां पर सिग्मा लिखना चाहूंगा तो मेरे को कैसा मिलेगा सिग्मा, क्या ये सिग्मा नॉर्मल होगा, क्या ये सिग्मा नॉर्मल होगा, बोलिए, क्लियर हो रही सबको बात, क्या ये मेरा सिग्मा नॉर्मल होगा, इज इट अ सिग्मा नॉर्मल। अगर मैं ये सिग्मा नॉर्मल निकालना चाहूंगा तो इस सिग्मा नॉर्मल का फॉर्मूला क्या रखूंगा, बोलिए, सोचो और मुझको कमेंट करके बताओ, मजा इसी में ही है। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे निकालूंगा, पी अपॉन ए बी कॉस थीटा, अच्छा, और सोचो पी अपॉन ए बी कॉस थीटा, पी साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ ए सी, ओके। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से आपका दिमाग दौड़वाना पड़ेगा। इधर नए पेज पे चले, ये आपने डायग्राम देख लिया, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब यार ये जो एक्सिस मैंने ले ली, सोच के मुझको बताओ कि इस एक्सिस की वजह से क्या पी चेंज होगा, इस एक्सिस की वजह से क्या मेरा पी चेंज होगा, ये वाली एक्सिस, कौन सी वाली, ये वाली एसी वाली एक्सिस, तो आप पी सेम क्यों रख रहे हो, तो पी तो सेम नहीं होगा। लगाओ आप दिमाग, ये तो था मेरा ये से, और एक मेरा ऐसे आ गया,
तो बेटा ये थीटा है, ये है, तो बीच में एंगल कितना होगा, बीच में एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, ये ऐसा एक्सिस है, ऐसा एक्सिस है, तो ये अगर मैंने यहां पर थीटा बताया, अगर मैंने इस एक्सिस में थीटा बताया, तो मेरे को ये बताइए ये और ये एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा। लोड सेम रहेगा, 90 माइनस थीटा होगा। और सोच लो आज, और सोच लो बेटा, ऐसा करते, चलो ऐसा करते बेटा, ऐसा करते इस पार्ट को सेपरेट कर दूं, अपन इसी पार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, चलो लेट सेपरेट दिस पार्ट, थीटा ही रहेगा, 90 माइनस थीटा, चलो सेपरेट करते हैं, मेरे को पता है ना यहां पर आपको दिक्कत आती है, चलो इसको सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं तब मजा आएगा, थोड़ा सेपरेट करते हैं, और मेरा क्या मन है, सेपरेट करने के बाद ऐसा करते हैं थोड़ा डार्क में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं नहीं आएगा डार्क में समझ में, चलो देखते हैं, ठीक है, कहाँ पहुंच गए थे अपन, यहां पर थे, चलो आ जाओ थोड़ा फील तो ले। हाँ भाई, तो अपन ने क्या कर दिया था, अब थोड़ा सा मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना, ये था अपना क्या ए बी, ये था अपना ए सी, कर सकते हैं, और ये मेरे को लाइन बना दी मैंने, ये हो गया, यही अपन थी, और ये क्या था मेरा, दिस इज माई, दिस इज माई ए, ठीक है, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी, क्या बात क्लियर है। अपन को क्या निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को क्या, यहां पर मेरे को पी पता था, यहां पर मेरे को पी पता था, बोलिए, यहां पर मुझको पी पता था, ये मेरा पी फोर्स है, मुझको ये बताइए, अगर मेरा ये एंगल, अगर मेरा ये एंगल थीटा है, तो बेटा मेरे को यहां पर कितना एंगल मिलेगा, थीटा सबका आ रहा है क्या, थीटा सोचो सोचो। अब मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बताता हूं बेटा, ये अगर मेरा थीटा है, एक सेकंड रुको, ये सबको दिक्कत होती है, पता नहीं इस चीज में दिक्कत क्यों होती है आप लोगों को, मुझे नहीं पता ये दिक्कत क्यों होती है आप लोगों को, आप सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुन बेटा, ये और ये लाइन इसके पैरेलल है, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा आपको दिक्कत होती है, आज लास्ट बार दिक्कत होगी, मुझको बताइए क्या ये इसके पैरेलल लाइन है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये थीटा है, बहुत ध्यान से ना, तो ये कितना है बेटा, ये अगर मैं बोल दूं तो ये 90 है, ये 90 है, अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये इसके पैरेलल लाइन है, अब मेरी बात सुनो, यहीं पर ही खींच रहा हूं मैं बेटा, ये थीटा है तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा, प्रॉब्लम क्या है इसमें, अरे दोनों लाइन पैरेलल है, बात तो मेरे को थीटा मिल गया ना, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा, तो इसमें डाउट क्यों आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो गई ये वाली बात, बोलिए क्लियर हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां तक क्लियर है, अब किसी को डाउट, तो बेटा वो थीटा ही होगा, वो थीटा ही होएगा, क्या क्लियर है, तो यहां पर ये चीज मिटा देता हूं मैं, अब सुनिए ध्यान से, तो ये कितना हो मेरा, दिस इज माय थीटा ओनली, दिस इज माय थीटा ओनली, क्या क्लियर है, तो यार ये मेरा P हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं नॉर्मल P निकालू, क्योंकि P P अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया और P जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं P का इधर निकालूंगा, तो ये क्या हो गया, P बोलो कंपोनेंट हो गया इसका, तो इसको क्या बोलूंगा, P cos थीटा, क्या बोलूंगा इसको, P cos थीटा बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बोलिए क्या इसको मैं P cos थीटा बोलूंगा, बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनो, यहां पर इस केस में अगर मैं इस केस में आ जाऊं, अगर मैं इस केस में आ जाऊं, बहुत ध्यान सुनना, यहां पर अगर मैं इसी एरिया ऑफ ए बी को, लेट सपोज मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलता हूं, जो जनरली आप निकालते हो, आप जनरली इसी का तो एरिया निकालते हो, तो लेट सपोज मैं इसी एरिया को, लेट सपोज मैं इसी एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दूं, इसी को मैं एक एरिया कंसीडर कर दूं, एरिया ऑफ ए बी को मैं ए बोल दूं, ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए, अरे इजी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसी को ही मैं बोल दूं ये वाला एरिया, बोलिए
क्या एरिया ऑफ एबी को मैं ए बोल देता हूं, है ना। चलिए, अगर मेरा बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरा ये वाला क्रॉस सेक्शन को मैंने, अगर मैंने इस वाले क्रॉस सेक्शन को, इस वाले क्रॉस सेक्शन को, अगर मैंने इस वाले क्रॉस सेक्शन को ए बोला, तो बहुत ध्यान से सुनना, तो बेटा मेरा ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा ये वाला क्रॉस सेक्शन। अगर ये मेरा एरिया था तो व्हाट विल बी माय दिस क्रॉस सेक्शन, बोलिए। कितना हो जाएगा ये, ए कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड, ए अपॉन कॉस थीटा। बेटा आप कभी तो बोलते हो, मेरे को बताओ जो कॉस थीटा होता है, इजी तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का, बेटा मेरा कॉस थीटा कहां से कहां लाई करता है, जीरो से वन लाई करता है। अरे कितना ही हो, जीरो से वन लाई करेगा। ये गलती होती है, सुन लो ध्यान से, ये गलतियां होती है। मेरा क्या कॉस थीटा जीरो से वन लाई करता है, अगर मैं बोल रहा हूं पहले ही, आपने पहले ही बोला कि सर ये वाला एरिया मेरा ज्यादा है, अगर आप इसी एरिया को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा एरिया कम हो जाएगा ना दादा, थोड़ा सा मैं समझता हूं ये कंफ्यूजन होते हैं, ऐसा नहीं बेटा ये कंफ्यूजन सिर्फ आपको हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ये कंफ्यूजन होते हैं, मैं कहता हूं मुझे होते हैं कंफ्यूजन, बट जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो कंफ्यूजन आपके दूर होते हैं। इसी एरिया के साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जीरो से लेके वन के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा एरिया कम नहीं हो जाएगा ये वाला, ये एरिया मेरा कम हो जाएगा ना यार, हाँ बात समझ में आई। तो ऐसा कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा, आपको ये पता है कि मेरा एरिया कम हो जाएगा बट मेरे को एरिया बढ़ाना है, तो बेटा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको ही तो अपन बोल रहे एरिया ऑफ एसी। अब क्या ये ग्रेटर देन ए है, बिल्कुल समझ में आ गया यार, ये ग्रेटर देन ए है, बस, क्योंकि कॉस थीटा नीचे, जब लेस देन वन की क्वांटिटी नीचे होती है तो बेटा वो ओवरऑल जब ऊपर जाता तो ग्रेटर ही होके नजर आता ना, ये मैथमेटिक्स हुई यहां पर। क्या बात क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट यहां पर, तो ये वाला एरिया क्या हुआ आपका, ए अपॉन कॉस थीटा। क्या बात क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, यहां से मैं सिग्मा एन निकाल सकता हूं, तो कितना हुआ मेरा सिग्मा एन, बोलिए, सिग्मा नॉर्मल, यही तो आपका सिग्मा नॉर्मल है, आप एक्चुअली इसी डायरेक्शन में तो निकाल रहे हैं, यही तो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं सिग्मा नॉर्मल, मोर सर्कल, बेटा मोर सर्कल से दोनों से पढ़ाऊंगा मैं दोनों से पढ़ाऊंगा, दिस इज आपको दोनों से पढ़ाऊंगा बेटा, सुनो तो सही, ये तो बेसिक चल रहे हैं, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल दोनों पढ़ाए जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। तो सिग्मा एन कितना हुआ, आपको पता है मेरा फोर्स कितना लाई कर रहा है, ये पी कॉस थीटा, तो यहां पर क्या रख दूंगा मैं, यहां पर क्या रखूंगा, पी कॉस थीटा रखूंगा, तो लो पी कॉस थीटा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये रहा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां पर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखूंगा, और इस सिग्मा नॉर्मल के लिए मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है, एसी, तो मैं क्या रखूंगा नीचे, ए अपॉन कॉस थीटा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या मेरे को सिग्मा नॉर्मल मिल चुका है बड़ा ही प्यारा सा, क्या आपको सिग्मा नॉर्मल बड़ा ही प्यारा सा मिल चुका है, क्या है आपका सिग्मा नॉर्मल बताइए, क्या आपको सिग्मा नॉर्मल मिल चुका है, नहीं मिल चुका, बोलिए, मिल गया भाई मुझको सिग्मा नॉर्मल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कितना है आपका सिग्मा नॉर्मल, इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए कॉस स्क्वायर
थीटा। क्या अपन ये भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं सिग्मा एन इजिकल्स टू, बहुत ध्यान से सुनना, सिग्मा एक्स थीटा। क्या हुआ, क्रिस्टल क्लियर सभी को? मजा नहीं आ रहा यार, क्या सभी को क्रिस्टल क्लियर हुई बातें? बोलिए, क्या सभी को बात क्रिस्टल क्लियर हुई? कहीं कोई डाउट? सिग्मा एक्स बोल सकता हूं। अब आपको मैंने बेटा यूनि एक्सियल, बाई एक्सियल, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये सब मैंने पढ़ाया, तो आपको नहीं लगता कि कितना मजा आने वाला अब अपने को आगे? मैंने आपको सिंपल स्ट्रेस में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, एक यूनि एक्सियल, बाई एक्सियल एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको पढ़ाया है। सेम चीज यहां भी जाएगी। अभी आपने ये चीज किसमें पढ़ी है? इज दिस अ यूनि एक्सियल? क्या यूनि एक्सियल फॉर्मेट है? बोलिए। अरे भाई इधर देख के बताओ, मेरे को ये बताओ, इज इट अ यूनि एक्सियल? क्या यूनि एक्सियल है? सिर्फ सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस मिल रहा है। अब अगर बाई एक्सियल होगा, ट्राई एक्सियल होगा, तो हम हर डायरेक्शन में स्ट्रेस ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते? बस बेसिक क्लियर हो गए, हमें पता है करना क्या है, आगे बढ़ते रहेंगे। अब आगे बढ़ता रहेगा ये चैप्टर, सिंपल। क्या सबको समझ में आई कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं? है ना, फील आ रही है? फील आ रही है चीजों की कि हम करने क्या वाले हैं? तो बेटा ये अपना यूनि एक्सियल, तभी मैंने यहां पर क्या लिखा है, तभी मैंने यहां पर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अगर ये डेरिवेशन नहीं होता तो आप सभी लोग क्या कर लेते इसको, यार सिग्मा एक्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहां सिग्मा एक्स लग रहा है, थीटा डायरेक्शन में है, मोस्टली सिग्मा एक्स कॉस थीटा लगता। मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स कॉस थीटा लिखते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये होता है सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज योर करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी गलती बहुत जने करते हैं, जिनको डेरिवेशन नहीं पता होता है वो सिग्मा एक्स कॉस थीटा कर देते हैं और कुछ नहीं। चलिए यहां तक बातें क्लियर हुई, यहां तक बातें क्लियर हुई? बोलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़े। चलो यार सिग्मा नॉर्मल तो निकाल दिया, अब कुछ शेयर की बातें कर ली जाए, अब शेयर स्ट्रेस निकाल लिया जाए। बोलो क्या शेयर स्ट्रेस निकाल लिया जाए, बताइए बताइए। बोलिए, कहां चले गए अपने पेजेस? ओके, ये यूनि एक्सियल तो बाद में पढ़ेंगे अपन। बोलो किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट? चलो कमेंट करके बताओ, ब्लैक पेज चाहिए कि व्हाइट पेज चाहिए? यू वॉन्ट ब्लैक पेज और व्हाइट पेज? आप बोलोगे जैसा पेज निकालेंगे। देखो आपके सामने ब्लैक पेज भी समझाया, आपके सामने व्हाइट पेज भी समझाया, बोलो कौन सा बढ़िया लग रहा है? टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, है ना, दोनों के अपने अपने मजे हैं। ब्लैक पेज का अपना मजा है, व्हाइट पेज का अपना मजा है, क्यों, है ना, क्या बोलते हो, किस पेज में पढ़ा है? बेटा एप्लीकेशन जनरली आपको ये बताओ, एप्लीकेशन इसका कहां होता है? जैसे जब आप हर एंगल पे निकालना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे समझाएगा। बेटा अभी मैं बोल भी दूंगा तो आपको फील नहीं आएगी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि किसी एंगल में आप लोड लगाते हैं ना, आपको ये पता होता है कि यार ये इस थीटा पे नहीं टूटेगा, पर ये यहां टूट जाएगा, यहां पर इसका बहुत शानदार स्ट्रेस मिल रहा है, पर यहां पर स्ट्रेन बिल्कुल, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस तो बड़ा सही है पर शेयर स्ट्रेस बहुत वीक है, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस तो अच्छा है, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस तो वीक है बट शेयर स्ट्रेस अच्छा है। तो आप ऐसा एंगल ढूंढते हैं जहां पर आपको नॉर्मल और शेयर दोनों की कंडीशन के हिसाब से आपको डिजाइन करनी होती है, ठीक है, उस हिसाब से आपको डिजाइन करनी होती है, ठीक है, इस हिसाब से आपको डिजाइन करनी होती है। ओके, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, क्लियर हो रही बात? ये लैंडस्केप ही बेटा, ये देखो
क्या बात क्लियर हुई, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो बेटा ये लैंडस्केप है, यहां पर देख सकते हो लैंडस्केप है। हाँ जी, क्या क्लियर है? आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे हाय, अब अपन शेयर स्ट्रेस की बातें करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर देखिए, अब अपन शेयर की बातें करेंगे, अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। डायरेक्शन अपन ने क्या क्या लिया है, इधर डायरेक्शन सुनना बेटा। थीटा का डायरेक्शन क्या था, क्या थीटा का डायरेक्शन क्या था? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल। क्या बात क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल, तो ये बात याद रखना। नॉर्मल का डायरेक्शन कहां लिया है? आउटवर्ड। इसको बेटा पॉजिटिव निकाला अपन ने, मतलब नॉर्मल का आउटवर्ड डायरेक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर लेंगे अपन, बट यहां तक ये बात क्लियर होती है कि नॉर्मल आउटवर्ड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब शेयर की डायरेक्शन जो बना रहा हूं वही डायरेक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी बेटा, ये साइन कन्वेंशन है। तो जो डायरेक्शन मैं यहां लिख रहा हूं वही डायरेक्शन आपको मैटर करेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके थ्रू आपको और क्लियर होगा। पहले शेयर स्ट्रेस की बातें कर लेते हैं। सेम डायग्राम, ए बी ए सी, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, बी और सी। क्या बात क्लियर है, है ना? अब नॉर्मल की डायरेक्शन तो यहां आ गई थी, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू, एक सेकंड, नॉर्मल की डायरेक्शन अपनी यहां आ गई थी, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की डायरेक्शन मैंने निकाल ली थी यहां पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लो। अब बेटा शेयर की डायरेक्शन कहां होगी, ये आपका टाउ होगा, ये आपका शेयर होगा। सेम चीज जाएगी शेयर में, सेम चीज जाएगी शेयर में। अब शेयर में जो लोड होता है वो एरिया के पैरेलल होता है। मेरे को आप बताइए, क्या शेयर के केस में जो लोड होता है वो क्या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल होता है? मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या इसके पैरेलल ही लगेगा लोड? तो बेटा मेरे को ये बताइए कि कितना लोड लग रहा है यहां पर, बताइए। क्या पी साइन थीटा? ऑब्वियस ही बात है बेटा, कंपोनेंट कैसा आ रहा है? थैंक यू एलन, कंपोनेंट कैसा आ रहा था? यहां लग रहा था, यहां ये देखो नॉर्मल लग रहा था, यहां लग रहा था पी, यहां क्या लग रहा था, ये था थीटा, यहां लग रहा था पी कॉस थीटा, और नीचे क्या लग रहा है, ऐसे क्या लग रहा है, पी साइन थीटा। क्या क्लियर है सबको? तो पैरेलल पी साइन थीटा लगेगा, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई अपनी, क्या हो गई अपनी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा अपॉन एरिया, तो अपन ने निकाल ही लिया भाई। क्या एसी एरिया अपन निकाल दिया, वो क्या था अपना, ए अपॉन कॉस थीटा। क्या हो गया ये, इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये बात ठीक है, क्या क्लियर हुई यहां तक बात? तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पर आगे क्या कर सकता हूं, पी साइन थीटा कॉस थीटा, तो टाउ क्या रख दिया मैंने, टाउ इज इक्वल्स टू, क्या मैं टू बाय टू से डिवाइड कर दूं, टू एक सेकेंड पी अपॉन, सॉरी एरिया भी आएगा, ओके तो पी अपॉन टू ए साइन, टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, और सबको पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो यहां से मेरी टाउ की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई मेरी, सिग्मा एक्स बाय टू साइन टू थीटा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर हुई सभी को, बोलिए। क्या टाउ क्लियर हुआ? किसी भी एंगल थीटा पे आप टाउ निकाल सकते हो, किसी भी एंगल थीटा पे आप सिग्मा निकाल सकते हो,
मतलब नॉर्मल सिग्मा एंड टाउ। तो अपने को मोटी मोटी बात यहां पर क्लियर हो गई कि हम यहां पर अगर रखूं तो सिग्मा नॉर्मल आप निकाल सकते हो विच इज सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड टाउ आप निकाल सकते हो सिग्मा एक्स बाय टू साइन टू थीटा। क्लियर? मतलब आप किसी भी प्लेन पे, आप यूनिएक्सियल के अंदर, आप यूनिएक्सियल के सर यूनिएक्सियल के अंदर आप मुझे किसी भी थीटा पे आप नॉर्मल स्ट्रेस पूछ लो, शेयर स्ट्रेस पूछ लो, मैं आपको निकाल के दे दूंगा, मैं आपको ये चीज निकाल के दे दूंगा। डायरेक्शन याद रखना बेटा, डायरेक्शन याद रखना, यहां पर क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन याद रखना, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एक्सिस, सिग्मा एन आउटवर्ड एंड टाउ आपका नीचे की तरफ। गेट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको फिर से दूंगा ये क्वेश्चन आपको क्लास में, गेट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और गेट ने डायग्राम बनाया था, यही वाला डायग्राम गेट ने बनाया था, उसने क्या करा था, टाउ की डायरेक्शन ऊपर दे दी थी बेटा, ऊपर दी थी, तो मतलब आपका टाउ जो आ गया था, वो टाउ जो आया था वो आपका बेटा जो टोटल टाउ आएगा ना ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये गलती नहीं करनी अपने को। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। मिनिस, वेरी गुड बेटा मिनिस, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सुनो, तो ये अपन हेडिंग डाल देते हैं, इधर हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन अपन ने पढ़ा, नोट्स थोड़े आपके अच्छे बन जाए, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन तो अपन पढ़ ही रहे हैं। ये अपन किस में पढ़ रहे हैं, यूनिएक्सियल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एनालिटिकल मेथड अपन ने स्टार्ट किया है, अपन ने स्टार्ट किया एनालिटिकल मेथड, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, यूनिएक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ग्राफिकल में आएगा बेटा, मोर सर्कल। अभी अपन ने एनालिटिकल मेथड स्टार्ट किया, लगभग अपन ने इसको खत्म भी कर दिया है, और अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अपना टॉपिक है इसमें यूनिएक्सियल स्ट्रेस। ओके डियर, ठीक है, आगे बढ़ते, क्लियर है। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, आपके लिए होमवर्क दे दूं, क्लास आज वैसे ही छोटी ही रख रहे हैं अपन, आपको होमवर्क देता हूं मैं। अब सुनो, ये बेटा यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये सब चीजें आपको मैं होमवर्क देता हूं, देखो सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, इधर यहां पर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपके लिए होमवर्क है, एक बार ये चीज पढ़ के आना। देखो ए बी ओरिजिनल प्लेन है, एसी अपना प्लेन अंडर कंसिडरेशन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। एंगल, एंगल कहां लिखा है, एंगल फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट, ये चीज भी मैंने आपको बताई, ये सब चीजें आपको मैंने यहां पर बताई है, ये सब चीजें मैंने आपको अभी सिखाई है। ठीक है, नोट्स हैं आराम से मेरे बेटा, मेरा हैंड रिटन नोट्स ही हैं, ठीक है, आराम से देखना। आपके लिए होमवर्क क्या है, खुद समझ के आओ, कल मैं क्लास में और अच्छे से बताऊंगा आपको। इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम सिग्मा एन ढूंढना है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब आता है, नोट्स में है बड़े अच्छे से, पर आप निकाल के रखना कि थीटा इक्वल टू जीरो पे आपको सिग्मा एन पी बाई ए मिल रहा है, मतलब आपको नॉर्मल स्ट्रेस कहां मिलेगा, इन दिस प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम एंड शेयर स्ट्रेस इज जीरो। जब थीटा आपका जीरो है तो शेयर स्ट्रेस आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, ठीक है, ओके, और कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाती है। तो देखो ना बेटा, ये जो प्लेन है अपन ने जो ये प्लेन निकाला था इधर, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में आपको क्या मिल रहा है, आपको शेयर तो आपको जीरो मिल रहा है, बट आपको सिग्मा एन मैक्सिमम मिल रहा है, पर आपको शेयर मैक्सिमम किस प्लेन पे मिलता है, रिकॉर्डिंग देख लोगे बेटा आप, आज ही है पब्लिक क्लास, कल से मेंबरशिप में चलेगी क्लासेस, तो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाओगे आप, ठीक है, पब्लिक आज ही है, फर्स्ट लेक्चर एज यूजुअल जैसा पब्लिक होता है वैसे पब्लिक है बेटा, कल से मेंबरशिप में होगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क, एक बार खुद से पढ़ के आओ, कल अपन यही चीज पढ़ेंगे, कल मैं आपको यही चीज समझाऊंगा कि सिग्मा मैक्स आपको थीटा इक्वल जीरो पे मिल रहा है, बट टाउ आपको थीटा इक्वल जीरो पे जीरो मिल रहा है, और टाउ आपको मैक्सिमम कहां मिलेगा, टाउ आपको मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा फील के साथ में, कि आपको बकायदा फील होएगा कि किस किस एक्सिस पे कैसे कैसे थीटा ले रहे हैं,
कंप्लीट है, ये पूरे नोट्स मैं अभी चढ़ा दूंगा, ये पूरे नोट्स अभी चढ़ा दूंगा बेटा, सारे नोट्स से ये क्वेश्चन है जो आपको करके लाना है, ये क्वेश्चन भी है जो आपको करके लाना है, ठीक है ना, देख लेना, होता है तो बढ़िया, नहीं तो कल तो अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स आपके क्लास ऐप, सॉरी ऐप में चढ़ा दूंगा, ये क्वेश्चन है आईएएस 2008 में, ये क्वेश्चन करना है, पढ़ना तो पढ़ लेना, वन अपन कंटिन्यू कल से करेंगे, जो चीज मैंने यहां से पढ़ाई वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, यहां से अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, द वे आई एम यूजिंग दिस पैड, आपको समझ में आ रही बात? हां, शिवांशु सर के कुछ लेक्चर अपलोड होने बाकी है, वो आज हो जाएंगे बेटा, जो भी मेंबरशिप में चल रहे हैं लेक्चर वो आज अपलोड हो जाएंगे, हाँ हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे, आज अपलोड कर देंगे बेटा, है ना। थोड़े शिवांशु सर नए हैं ना, वो इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट के तरीके को एब्जॉर्ब करने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, ओके, है ना, बोर्ड से बेटर है यार, और बेटर ही करेंगे लाइफ में अपन आगे, ठीक है गाइज। ये क्लास आपकी खत्म करते हैं यहां पर, इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंजॉय करो क्लास को, फील लो, ये नोट्स में अपलोड करता हूं, बकायदा आपको थोड़ी बहुत फील आ गई होगी अपन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही प्यारा है, इट्स ऑल मैथमेटिक्स, इस चैप्टर में दुनिया भर की मैथमेटिक्स है, पर बहुत ही इंजॉय करोगे आप इस चैप्टर को, और बहुत इजी मैथमेटिक्स है, चैप्टर भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और सबसे अच्छी बात लोगों को ये चैप्टर समझ नहीं आता, तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, और समझ में तो आएगा ही, कभी मैंने पढ़ा है आपको समझ आया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो कैसे ना कैसे आपकी टांग खींच के अपन समझा ही देंगे इसको बड़े अच्छे से, ठीक है। समझ क्यों नहीं आता? बिकॉज लोग इसको फॉर्मूले से रटवाते हैं, समझ लो, बहुत सारे मैंने बहुत जगह देखा है, इसको सिर्फ फॉर्मूले लिख देंगे, वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा, ये सब फॉर्मूला माइनस टू एक्स वाई, ये बड़ा सा फॉर्मूला लिख देंगे, फिर कहेंगे इसको रट लो इसका थीटा हो जाएगा, नहीं यार, जब आप बेसिक से हर चीज को समझ के आगे बढ़ते हो तो कहां से अटकेगा क्वेश्चन, कहीं से नहीं अटकेगा आपका क्वेश्चन, है ना। तो वी विल एंड दिस क्लास टुडे, एंड लंबे लंबे फॉर्मूले हैं इसके अंदर, वो आपको मैं भी बोलूंगा याद करने के लिए, बट ऐसे नहीं तरीके से, ओके गाइस, बाय दिवांग, एंड चलो चलते हैं, कल मिलते हैं, ना। और हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट, आज टेस्ट अपलोड हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आप लोगों को समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से, तो योर टेस्ट विल बी अपलोडेड टूडे, ठीक है। हाँ हाँ, आधी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गई है निपुण, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गई है, अब तो बहुत इजी वाली सॉम बची है, ठीक है, कल का टाइम यही रहेगा यार, और चेंज होगा तो बेटा एलन आपको बताया जाएगा, ऐप में अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आज आपका टेस्ट है बेटा, टेस्ट अपलोड होगा शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस का टेस्ट आज आपको लोगों को अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टेस्ट अपलोड होगा, सब अटेंड करना टेस्ट, टेस्ट मत छोड़ो, इट इज द रियल की टू सक्सेस, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ओके गाइस, बाय बाय।